स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पावर। पावर हम डिफाइन करते हैं, अगर मैं उसकी डेफिनेशन देखूं तो हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है किसी भी यूनिट टाइम में, जो कि आप नोट कर रहे हो। तो अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाए तो हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, जो कि होगा वर्क डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क किसी भी टाइम में परफॉर्म किया जा रहा है। अब इसकी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो जिसमें मैंने क्या किया है कि मैंने दो जो है वो बटरफ्लाइज ली हैं, ठीक है, और उन बटरफ्लाइज के पास जो है ये उनका एंड पॉइंट है, यानी कि जहां तक ये रीच करेंगी। तो यहां से जो इनका डिस्टेंस है और जितनी ये फोर्स अप्लाई कर रही हैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो सेम है, यानी कि वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसने जो है, इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ, अगर इसने, मैं कहती हूँ ये डब्ल्यू वन है, इसने 10 जाउल ऑफ वर्क परफॉर्म किया, तो इसने भी 10 जाउल ऑफ वर्क परफॉर्म किया, क्योंकि सेम डिस्टेंस और सेम फोर्स अप्लाई करके इस एंड पॉइंट तक रीच की है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वाली बटरफ्लाई जो है ये कितना टाइम लगा रही है ये वाला काम करने में। अब इस जो हमने टाइम नोट किया है, यानी कि इसने जो है वो 10 सेकेंड्स लगाए हैं यहाँ इस एंड पॉइंट तक पहुंचने में, और इस बटरफ्लाई ने जो है वो 20 सेकेंड्स लगाए हैं इस एंड पॉइंट तक पहुंचने में। अब हम इसी से, ये जो हमने हमारी जो कैलकुलेशंस है, इससे हम देखेंगे कि इन दोनों बटरफ्लाइज की कितनी कितनी पावर है, यानी कि कितनी पावर अटेन किया है इन्होंने। अगर बटरफ्लाई वन की देखूँ तो पी वन, उसकी पावर मैं डिनोट कर देती हूँ, वो डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई टी वन होगी, यानी कि डब्ल्यू वन मेरे पास कितना है, 10 जाउल्स, और टाइम कितना लिया उसने, 10 सेकेंड्स। तो मेरे पास कितना आया, पावर कितनी आई मेरे पास, 1 जाउल्स पर सेकेंड, ठीक है। और पी टू अगर देखूँ, यानी कि इसकी सेकेंड बटरफ्लाई की जो पावर आएगी वो क्या आएगी, डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई टी टू, यानी कि वो कितनी आएगी, 10 जाउल्स, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है और लेकिन उसने उस पॉइंट तक पहुंचने में 20 सेकेंड लगाए हैं। तो इसका मतलब है उसके पास जो आंसर आया 1/2 जाउल्स पर सेकेंड आया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला पावर जो है, यानी कि इस बटरफ्लाई ने वही अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो ज्यादा टाइम में किया, यानी कि 20 सेकेंड लगाए हैं, और इस वाली ने वही काम जो है वो 10 सेकेंड में परफॉर्म कर लिया। इसका मतलब है इसकी पावर ज्यादा है और इसकी पावर कम है, यानी कि पी टू जो है वो ज्यादा आई है और पी वन जो है वो लेस आई है, कम आई है, ठीक है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि पावर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम देखते हैं कि पावर के यूनिट्स क्या होंगे। अब पावर जो है वो हमने W डिवाइडेड बाय T से डिनोट किया, यानी कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, और वर्क जो है वो जाउल्स में मेजर किया जाता है और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है, तो इसका जो यूनिट है वो जाउल्स पर सेकंड बनता है, और इसको हम कहते हैं वॉट, ये एक वॉट के बराबर होता है। अब अगर मैंने 1 वॉट डिफाइन करना हो कि 1 वॉट कितना होता है, तो मैं कहूंगी कि कोई भी बॉडी जो है अगर 1 जाउल ऑफ वर्क कर रही हो 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि उसके पास जो है 1 वॉट पावर है, उसका 1 वॉट पावर है। इसके कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं। बिगर यूनिट्स में हमारे पास जो जो यूज होते हैं बिगर यूनिट्स इसके, वो है हमारे पास 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट विच इज इक्वल टू 1000, वो 1000 वॉट के बराबर होती है, और एक हमारे पास एक और यूनिट है 1 मेगावॉट, यानी कि एम और फिर डब्ल्यू लिखते हैं हम, तो ये हमारे पास 10^6 वॉट के बराबर होती है। लेकिन इसका एक और यूनिट भी है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर होती है। यानी कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर आप 746 को मल्टीप्लाई करें 1 वॉट से, तो 1 हॉर्स पावर के बराबर आती है। और इसको जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको HP से भी डिनोट किया जाता है, हॉर्स पावर, H फॉर हॉर्स एंड P फॉर पावर, वो हमारे पास 746 वॉट के बराबर आती है। यानी कि अगर आपने वॉट में कन्वर्ट, आपने HP में कन्वर्ट करना हो, यानी कि 1 हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना हो, तो आप 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉट को, एंड देन यू विल गेट द आंसर इन 1 हॉर्स पावर। तो इससे ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं बेसिकली, इसके जरिए हम जो है वो पावर को किसी भी, मतलब कि मेगा किलो वॉट में भी निकाल सकते हैं, मेगा वॉट में भी निकाल सकते हैं, और हॉर्स पावर में निकाल सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा है कि हम किसी पावर जो है वो कैसे मेजर करते हैं, कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है कोई अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है और हमें पता है कि उसने कितना टाइम लगाया है कोई भी काम करने में, तो हम बता सकते हैं कि उसके उस उसके उसने इतनी पावर है उसके पास, ठीक है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम।